بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار تمام قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑھائی وڑیائی یکتائی تنہائی شہنشائی ਸਾਡਾ ਪੱਖਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਲਓ ਪਰ ਔਰ ਹਮਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕੇ ਅਲਾਮ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲੇ ਵਲ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਅਕਦਸੋ ਅਤਹਰੋ ਆਲਾ ਉਬਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ سید الاولین والآخرین امام الحرمین الشریفین سید سقلین کونین دے تاجدار شیما دے ویر رب دے حبیب بدر منیر اور پوری کائنات دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدی مقدس متحر پکیزہ ہستی تے زیوکار بزرگو بھائیو دوستو معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں گزشتہ جمعے اعلان کیتا سی کہ آئندہ جمعہ اہل بیت دا تعارف اور اہل بیت دی شان و عظمت دے حوالے نال ہوئے گا چونکہ محرم الحرام دی اج 16 تاریخ ہے اور اس مہینے اندر ایک خاص طبقہ اہل بیت دی آڑ لے کے اصحاب رسول ازواج رسول امہات المومنین اور آل رسول دے کتنے ایسے افراد جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے انتہائی قریبی سن خونی لحاظ نال بھی اور سسرالی لحاظ نال بھی مگر وہ طبقہ اہل بیت دا بہانہ بنا کے آڑ لے کے ان خاص شخصیات نو صحابی یا جنتی مننا تے دور دی بات ہے مسلمان بھی منن واسطے تیار نہیں امہات المومنین اہل بیت دیاں ماما مومنہ دیاں ماما مننا تے دور دی بات ہے نبی دیاں بیویاں منن لئی تیار نہیں اس واسطے میں مناسب سمجھے آئے کہ جن ایام اندر اے ڈھنڈورا پیٹھے آ جاندہ ہے
ऐसे अयाम अंदर कुरान सुन्नत दी रोशनी अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दी रोशनी अंदर ये बात वाज़े की जाए कि अहले बैत है कौन ने और अहले बैत दी सही अजमत और शान व शौकत की है। याद रखना अहल दा माना होंदा है वाले, अहले लाहौर लाहौर वाले, अहले मुल्तान मुल्तान वाले, अहले पाकिस्तान पाकिस्तान वाले, अहले यूरोप यूरोप वाले। अहल दा माना होंदा है वाले। और बैत अरबी जुबान अंदर घर नूं कहिंदे ने, बैत घर, अहले बैत यानी घर वाले। और मेरे तेरे माशरे अंदर ये बात कोई ढकी छुपी नहीं, कोई बंदा किसे अपने करीबी रिश्तेदार या किसे दोस्त नूं मिले, किसे गमखार हमदर्द नूं मिले और वो पूछे जनाब तुहाडे घर वालियां दा की हाल है, तो तुसी माशरे अंदर की समझदे हो? घर वालियां तो मुराद गवांडी ने, महल्लेदार ने, या घर वालियां तो मुराद तुहाडी बेटी दे ससुराल ने, या घर वालियां तो मुराद कोई और रिश्तेदार ने? बल्कि नहीं, मेरे माशरे अंदर जदों लफ्ज़ बोलिया जाए जनाब घर वालियां दा की हाल है, फौरन ये बात दिमाग ते चोट मार दिए जाके और दिमाग फौरी फैसला करदा है ये पुछण दा मतलब है वे जनाब तुहाडी बीवी दा की हाल है, तुहाडे बच्चियां दा की हाल है, तुहाडी फैमिली दा की हाल है, तुहाडे वो लोग जो तुहाडे घर दी चार दीवारी दे अंदर बसदे ने उहनां दा की हाल है। इंजी है ना, वो यो समझदे हो तुसां? फिर अगर नबी दे अहले बैत दा जिक्र कीता जाए और पूछिया जाए नबी अलैहि सलातु व तस्लीम दे अहले बैत कौन ने, लुगवी लिहाज नाल भी माशरती लिहाज नाल भी और इस्तलाही लिहाज नाल भी, अगर अहले बैत तो मुराद फैमिली दे लोग ने, घर दे लोग ने, बीवी बच्चे मुराद ने, चार दीवारी दे अंदर बसन वाले वो लोग जेड़े जिस बंदे दे अहले बैत होन, उस बंदे दी चार दीवारी दे अंदर जेड़े लोग ने वो दे अहले बैत ने, तो फिर मैं पूछना चाहना महबूबे किबरिया अलैहि सलातु व तस्लीम दे घर वाले आप दे अहले बैत क्यों नहीं? यकीनन ये लोगों दियाँ अखां अंदर घटा पाया जा रहे और नाम अहले बैत दा लैके जो असल अहले बैत ने उन्होंने अहले बैत चो निकालिया जा रहे। आइए सुनिए कुरान, इमाम अलंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालके कायनात महबूब पैगंबर दे मुबारक सीना दे खालके कायनात ने कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह जुल जलाल दा कुरान कहिंदे या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन तकीतुन्ना फला तख्ज़ान बिलकौल फयतमा अल्लज़ी फी कल्बिही मरज वकुलना कौलम मारूफा वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुज الجاهلیت الاولى واقمنا الصلاة واعطينا الزكاة واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم ततहीरा
मालके कायनात दे कुरान दा 22वां पारा सूरत दा नाम सूरह अहज़ाब आयत नंबर 32 और 33। सुनिए कुरान पाक, खालके कायनात ने फरमाया, ए नबी दी घरवालियो, नबी दियो बीवियो, या निसा अन नबी, ए नबी दियो बीवियो, लस्तुन का अहदिम मिनन निसा, इस माशरे अंदर जीण वाले, इस कायनात अंदर बसण वालियां औरतां विचों कोई औरत तुहाडे जैसी नहीं हो सकती। लस्तुन का अहदिम मिनन निसा, ए नबी दियो औरतो, नबी दियो बीवियो, अल्लाह जुल जलाल ने शान अता फरमाया, खालके कायनात ने मुकाम ते इज्जत रिफत ते बुलंदी अता फरमाई, ओ पूरी कायनात अंदर जितनी औरतां बसदियां ने कोई औरत तुहाडे जैसी नहीं हो सकती। इन तकीतुन फला तखज़ान बिल कौल, तुसी तकवे वालियां दे अपनी बात नू जरा अपनी जुबान नू नरम रखिया करो, अपने लहजे नू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खालके कायनात ने फरमाया, आवाज नू झुका के रखो मगर लहजा गर्म रखो, किते तुहाडी आवाज सुन के किसे दे दिल अंदर कोई मर्द ना पैदा हो जाए, किसे दे दिल अंदर कोई बीमारी ना पैदा हो जाए, मगर वकुल ना कौलम मारूफा। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, इस लहजे दे गर्म होने दे बावजूद बात अच्छी करनी है, साफ ते सुथरी करनी है। अगे फरमाया, व करन फी बुयूती कुन्ना, अपने घर अंदर रहना है, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, जहलियत वाली सेबो सीने इख्तियार नहीं करनी, व अकिन सलाता, नमाजा कायम करनिया ने, जकात अदा करनिया ने, व अतियन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी इताअत करनी है। क्यों? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत। खालके कायनात ने फरमाया, अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, ए नबी मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहले बैत, युरीदुल्लाहु, अल्लाह इरादा रखते हैं, अल्लाह जुल जलाल चाहते हैं, खालके कायनात की ये चाहत है, अर्जो समा के मालक की ये चाहत है, अल्लाह इरादा रखते हैं, युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत, ए नबी दे अहले बैत, अल्लाह तुहानू हर तरह की पलीदगी तो पाक करना चाहते ने, हर तरह की गलाजत तो पाक करना चाहते, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। वायु तहीराकुम ततहीरा, मालके कायनात ने फरमाया, लोगो मैं चाहना वा ये तहारत दे इंतहाई बुलंद तरीन दर्जिया ते पहुंच जान। हुण गौर करना, अल्लाह पाक ने जदों बात शुरू की थी, नबी पाक दियां बीवियां नू मुखातब करके आख्या, या निसा नबी, ए नबी दियो बीवियो, इसे ऐसे आखर अंदर जाके फरमाया, ए नबी दे अहले बैत, शुरू अंदर नबी दियां बीवियां नू मुखातब कीता है, आखर ते नबी दे अहले बैत आ कह करके फरमाया, मैं तुहानू पाक करना चाहना, मैं तुहानू तहारत अंदर रखना चाहना, मैं हर तरह की गलाजत तो पाक करना चाहना। मालूम होंदा है अहले बैत तो मुराद अल्लाह जुल जलाल दे हावी सब तो पहले नबी दियां बीवियां ने, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और फिर याद रखना, मेरे तेरे पाक नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां दे बारे ऐलान की फरमाया, हजरत ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमांदे ने, मेरे तेरे पाक नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा तो फारग हुए, आप मदीने वल रवाना ने, चलदियां चलदियां रस्ते अंदर एक जगह आई जिथे आपने डेरा लाया, आपने आराम करने लई थोड़ी देर पड़ाव डालिया, उस जगह का नाम खुम नामी कुआं है। मेरे पाक नबी ने उस खुम नामी कुएं ते लोगों नू इकट्ठियां फरमाया, बाबू बेकिबरिया ने एक खुतबा इरशाद फरमाया, हमदो सना तो बाद फरमाया, आ फरमांदे ने, आला अय्युहन्नास, सही मुस्लिम किताब अल फजाइल दी हदीस 6225 नंबर, अला अय्युहन्नास, फरमाया लोगो खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, इन्नमा
انا بشر مثلكم يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب آپ نے فرمایا لوگو میں بھی تواڈے ورگے بشر تے انسان ہاں جویں تسی آدم دے بیٹے ہو میں بھی آدم دا بیٹا ہاں جویں تسی مٹی تو تیار ہوئے ہو میں محمد بھی مٹی دا بنیا ہاں جویں تواڈے خاندان قبیلہ اے ایویں میں محمد دا بھی خاندان قبیلہ اے جویں تواڈے ماپے سہورے نے ایویں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی ماپے سہورے نے جویں تواڈے بیوی بچے نے میرے بھی بیوی بچے نے جویں تسی کھاندے پیندے ہو میں بھی کھاندا پیندا ہاں انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تے جیڑیاں حاجتاں ضرورتاں تواڈے نال نے اوہی محمد عربی دے نال نے یاد رکھنا جیڑا فیصلہ اللہ پاک نے تواڈے بارے کیتا ہے یعنی موت والا فیصلہ جیڑا آدم نبی تے ہویا جیڑا فیصلہ مالک نے نو نبی تے فرمایا ابراہیم نبی تے او ویلا آیا جناب موسیٰ کلیم تے آیا جناب اسحاق نبی تے آیا اسماعیل نبی تے آیا یعقوب نبی تے او فیصلہ آیا داؤد تے سلیمان نبی تے او فیصلہ اللہ ذل جلال نے صادر فرمایا مالک کائنات دے محبوب نبی فرماندے نے جڑا فیصلہ اللہ ذل جلال نے ذریت آدم واسطے کیتا ہے ہو سکدا اے او وقت میرا بھی قریب ہوئے یوشکو این یاتی رسول ربی فاجیبا وانا تارکن فیکم الثقلین آپ نے فرمایا لوگو مینو لگدا اے میرا بھی ویلا قریب آن والا اے آخر گل کی اے وجہ کی اے نبی پاک غیب تے نہیں جاندے میں تے اللہ ہی جاندے نا آپ نو کیویں پتہ چل گیا میرا ویلا نیڑے جدو حجت الوداع دا میرے پاک نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا آسمان تو جبریل قرآن لے کے آئے فرمایا سونیا اللہ دا پیغام ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا محبوب جی اعلان فرما دیو اج دین مکمل ہو گیا ہے اج اسلام مکمل ہو گیا ہے تے جدوں بندے دا مشن پورا ہو جائے پھر بندے دے واپسی جان دیاں تیاریاں ہو جاندیاں نے فوجاں بارڈر تے لگیاں نے جدوں بارڈر تے مشن پورا ہو جائے پھر فوج نو واپس بلا لیا جاندا ہے بندہ قبضے تے بیٹھے جدوں قبضہ جناب مکمل ہو جائے جدوں مشن پورا ہو جائے پھر واپس بلا لیا جاندا جدوں اللہ کسے نبی نو مبعوث فرماندے نبی دے آمدا مشن پورا ہو جاندا اللہ نبی نو اپنے کول واپس بلا لیندے اج اللہ نے جو فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے مینوں لگدا ہے جے دین والا مشن پورا ہو گیا پھر محمد عربی دے جام دیاں تیاریاں نے روگو سنو میں جان والا ہاں لیکن میں وصیت کرنا جانا انا تارکن فیکم الثقلین میں دو چیزاں چھوڑ کے جاواں گا میرے ٹر جان تو بعد میرے چلے جان تو بعد دو چیزاں میریاں تواڈے اندر باقی رہن گیاں آقا سونیا کیڑیاں گلاں کیڑیاں چیزاں دی گل کر دیو فرمایا کتاب اللہ پہلی اللہ دی کتاب پہلا اللہ دا قرآن کتاب اللہ پہلا اللہ دا قرآن پہلی اللہ ذل جلال دی کتاب فیہ الہدا والنور ایدے اندر ہدایت بھی ہے ایدے اندر نورانیت بھی ہے جڑا قرآن نو سینے لائے گا اینو ہدایت مل جائے گی جڑا قرآن دے مطابق زندگی گزارے گا نورانیت مل جائے گی جڑا قرآن نو دستور منشور بنائے گا اوڑنا بچھونا بنائے گا جڑا قرآن دے مطابق زندگی نو گزارے گا عادات بنا لے گا اپنے اتوار بنا لے گا اپنے شب و روز قرآن دے مطابق گزارے گا فرمایا قرآن نو جنت رستہ وکھائے گا تے رستے اندر روشنیاں بھی پیدا کر دے گا فیہ الہدا والنور پہلی چیز اللہ ذل جلال دا قرآن نے اور دوسری چیز کی ہے واہل بیتی اور دوسرے میرے
अहले बैत ने, जदों मेरे पाक नबी ने अहले बैत दा जिक्र फरमाया, इंज करके महबूबे किबरिया ने हाथ जोड़े, ओ ज़क्किरुकुमुल्लाह, ओ ज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, ओ ज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, ओ ज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। मेरे पाक नबी ने तीन बारी फरमाया, मुस्लिम दी हदीस है 6225 नंबर, तीन बारी मेरे पाक नबी फरमांदे ने, लोगो मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहना मेरे अहले बैत दा ख्याल करे आ जे, मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहना मेरे अहले बैत नाल प्यार करे आ जे, मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहना मेरे अहले बैत ना मेरे अहले बैत दी खातर कट जाया जे, मर जाया जे, बच्चे ज़िबा करवा दे आ जे, पर मेरे अहले बैत दी इज्जत ते अज़मत ते शान शौकत ते आंच ना आण दे आ जे। आका सोणिया गल की है, मेरे पाक नबी ने फरमाया, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला हदीस पाक दे रावी ने, सिलसिला सही अंदर 2488 नंबर हदीस है, इब्ने हब्बान अंदर 2978 नंबर हदीस है, आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, मैनू अल्लाह दी कसम है जिदे कब्ज़े इख्तियार अंदर मुहम्मद दी जान है, मैनू उस अल्लाह दी कसम है, ला يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ। ओए मेरे परवानियो, ओए मेरे साहबियो, मेरे उम्मतियो, मैं अल्लाह दी कसम चुके कहना, जेड़ा मेरे अहले बैत नाल बोध रखेगा अल्लाह नु जहन्नम दा बालन बना देगा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह नु जहन्नम दा ईंधन बना देगा, अल्लाह नु जहन्नम दी अग अंदर सुट देगा। ओए लोगो मेरे अहले बैत दा ख्याल रखे आ जे, अहले बैत नाल प्यार करे आ जे, मैं अहले बैत नाल प्यार करना, मैं अहले बैत नाल अकीदत रखना, मैं अहले बैत नाल मुहब्बत करना, मैं अहले बैत नूं सलाम करना, अहले बैत दे पैरां दी जुत्ती मेरे सिर दा ताज है, अहले पैरां ते अहले बैत दे पैरां दी जुत्ती दी खाक मेरी अखां दा सुरमा है। लेकिन लोगो याद रखना, यह पहचानना जरूरी है अहले बैत है कौन है। मेरे पाक नबी ने अहले बैत किनू करार दिता है, और अल्लाह जुल जलाल ने अहले बैत किनू करार दिता है, खालके कायनात दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज मेरे पाक नबी ने सलाम बैठे ने, एक हार तोहफे अंदर आया, मोती लगे हुए मोतियां दा हार आया मेरे पाक नबी कोल तोहफे दी सूरत अंदर। आप नाले हार नूं वेखी जांदे ने, नाले हार मेरे पाक नबी नूं बड़ा प्यारा लगदा है पिया, नाले आंदे ने लोगो अज मैं हार ओनू पहनावांगा, ए हार मैं ओनू पावांगा जेड़ा मेरे अहले बैत विचों मैनूं सब तो ज्यादा प्यारा होएगा, ए हार मैं ओनू पहनाना है जेड़ा अहले बैत विचो मैनू सब तो ज्यादा महबूब है। नबी अली सलाम ने जद ये गल आखी ना, आप दियां सारियां बीवियां समझ गईयां, ए ते अबू बकर दी बेटी ऐशा ही पाएगी, ए हार ते ऐशा नूं पहनाया जाएगा, क्योंकि मुहम्मद अरबी ऐशा नाल प्यार करदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नूं ऐशा नाल बड़ा प्यार है, ऐशा नाल बड़ी मुहब्बत है। अज जो मेरे पाक नबी ने फरमाया, मेरे अहले बैत विचो जो महबूब तरीन है मैं हार पहनावांगा, अल्लाह अकबर अल्लाह। फिर मेरे पाक नबी हार लेके घर तशरीफ लेके आए, और सुनिया जे जरा तवज्जो ताम करके, आप हार लेके घर आए ने, आपने आयशा नूं वेखिया नहीं पहनाया, हफ्सा नूं वेखिया नहीं पहनाया, ज़ैनब नूं वेखिया नहीं पहनाया, मैमूना सौदा नूं वेखिया, मेरे पाक नबी ने जवैरिया नूं वेखिया, मारिया किबतिया नूं वेखिया, मेरे पाक नबी ने उम्मे हबीबा नूं वेखिया, आपने किसे नूं हार नहीं पहनाया। इधर मेरे पाक नबी दी बड़ी बेटी ज़ैनब, ओए लोगो जिन्हों महबूब दी बेटी नहीं समझिया जांदा, ए वावेला करन वाले अहले बैत दा नाम लेके ए लोगों दी अखां अंदर गट्टा पाण वाले, अहले बैत दे नाम ते महबूब दीयां बीवियां बेटियां नूं गालियां निकालण वाले, आपदी बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा, अमदे मेरी पाक नबी दी बी बेटी ज़ैनब नूं महबूब दी बेटी समझण वास्ते तैयार नहीं, आपदी बेटी ज़ैनब नूं मोहम्मद करीम की बेटी नहीं समझते। इधर ज़ैनब मेरे पाक नबी की बेटी है, ज़ैनब की बेटी मैमूना, अल्लाह अकबर, मामा ज़ैनब की बेटी, ये लागली जी मेरे पाक नबी की नवासी, दौड़दे होया मेरे महबूब के कोल आई है, आपने वो हार चुके आए, वो मामा दे गल अंदर पहना छड़िया,
पता चलिया महबूब ने जो फरमाया सी मेरे अहले बैत विचो जेड़ा सब तो प्यारा होएगा अज मुहम्मद हार ओनू पहनाणगे। मालूम होया ए हार हजरत ज़ैनब दी बेटी उमामा दे गले अंदर पाया गया तो मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ैनब नू ज़ैनब दी बेटी उमामा नू भी अपने अहले बैत समझे आए। अगली गल ते गौर करना सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ना अम्मा जी उम्मे सलमा मेरे पाक नबी दी बीवी मेरी मां तेरी मां मोमना दी मां सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अम्मा जी कहंदियां ने मेरे पाक नबी मेरे घर अंदर मौजूद ने मेरे घर अंदर ने अज वारी मेरी है मेरे पाक नबी दे मेरे घर अंदर रहन दी वारी। आका मेरे घर अंदर ने अचानक जिब्रील आसमान तो कुरान लेके आ गए कुरान दी आयत केड़ी उतरी है फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वयुतख़िरकुम तत्हीरा। खालके कायनात दा कुरान कहिंदा है इन्नमा युरीदुल्लाह अल्लाह इरादा रखते हैं अल्लाह चाहते हैं नबी मोहम्मद के अहले बैत को ना पाकी से पाक किया जाए पलीदगी से पाक किया जाए गुनाहों से पाक किया जाए बुग़्ज़ अदावत से पाक किया जाए निफाक से पाक किया जाए शिरक से पाक रखा जाए कुफर से पाक रखा जाए वयुतग़िरकुम तत्हीरा और तहारत दे पकीदगी दे बुलंद तरीन रुतबे ते फायल किया जाए। सदके जावां कुर्बान जावां परवानिया ए आयत उतरी है मेरे पाक नबी ने फरमाया ऐशा मेरे पाक नबी फरमाते ने उम्मे सलमा पैगाम भेजो मेरा अली आ जाए मेरा हसन आ जाए मेरा हुसैन आ जाए मेरी फातिमा आ जाए। पैगाम चला गया अली आ गए हसन हुसैन आ गए आप दी बेटी फातिमा भी आ गए अज मेरे पाक नबी अली सलाम ने इन्हां नूं बिठाया है हाथ चुके ने आसमान वल मुंह करके मेरे पाक नबी की कहंदे ने अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती अल्लाह अल्लाह मैं दुआ करना ए मेरे मालिक ए जड़ी आयत उतारी हूं ए भी मेरे अहले बैत ने ए भी मेरे अहले बैत ने। ओए यारो मैं पूछना चाहना अगर मेरे पाक नबी दी फातिमा मुहम्मद अरबी दा हसन हुसैन मेरे पाक नबी दा अली अहले बैत पहले ही सन किसे नु शक नहीं सी फिर मेरे पाक नबी नु दसन दी लोड की सी आपने किसे होर दा नाम क्यों नहीं लिया। फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती अल्लाह ए मेरे अहले बैत ने। अम्मा जी उम्मे सलमा कहंदियां ने आका सोनिया मा अना मिन अहलिल बैत सोनिया इन्हां नू कहंदे हो पे अहले बैत ने क्या मेरे घर अंदर कुरान उतरिया मैं अहले बैत नहीं हां तुहाडी बीवी ऐशा अहले बैत नहीं आका सोनिया तुहाडी बीवी हफ्सा अहले बैत नहीं मैमूना उम्मे हबीबा अहले बैत नहीं। मेरे पाक नबी अलैहि सलाम ने की फरमाया आप फरमांदे ने इन्नकी अहली खैर वहाउलाई अहलु बैती नी मेरी उम्मे सलमा तू ते अहले बैत है ही है वे मेरियां बीवियां ते अहले बैत है ही है ने मैं ते इन्हां नू दुआ करके अहले बैत अंदर शामिल करवा रहा। सदके जावां परवाने आ कदे जवाइयां नू लोकां नहीं आखिया मेरा करदा करदा फरदे कदे जवाइयां नू लोकी अहले बैत नहीं कहिंदे कदे दोतरियां नू लोकी अहले बैत नहीं कहिंदे अहले बैत अंदर बीवी है अहले बैत अंदर बेटे ने अहले बैत अंदर बेटियां ने अहले बैत अंदर बेटे दी औलाद आंदी है। इधर मेरे पाक नबी ने बेटी दी औलाद नू आपने अपने दामाद नू दुआ करके अहले बैत अंदर शामिल करवाया अज जाकर ववेला करदा है अज लोग लोगां दियां अखां अंदर मिट्टी पाण वाण अम्मा जी फातिमा सैयदना अली हसनो हुसैन दा नाम लैके आप दी ऐशा नू अहले बैत चो कढ़न दी कोशिश कर दे मेरे पाक नबी दी हफ्सा नू निकालन दी कोशिश कर दे मेरे महबूबे किबरिया दियां बीवियां नू अहले बैत चो कढ़न दी कोशिश कर दे ने। ओए लोगो सुनो 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 मैं अहले बैत नाल प्यार करना मैं अहले बैत नाल मुहब्बत रखना मैं अहले बैत दा मैं अहले बैत दे घराने दा नौकर हां मैं ते गली गली कहिंदा फिरना वा मैं अहले बैत
बैत दानो कर, मैं अहले बैत दानो कर, मैं नौकर हाँ सहाबादा, मैं नौकर हाँ सहाबादा, मैं अहले बैत दानो कर। ओ जन्नती लोग ने सारे, ओ जन्नती लोग ने सारे, अकीदा हर मुसलमान दा, मैं अहले बैत दानो कर, मैं अहले बैत दानो कर, मैं नौकर हाँ सहाबादा, मैं नौकर हाँ सहाबादा। ओ जन्नती लोग ने सारे, ओ जन्नती लोग ने सारे, अकीदा हर मुसलमान दा, मैं अहले बैत दानो कर। और सुनिए मेरी मोहब्बत दा पैगाम की है, मेरे दिल विच मोहब्बत है, मेरे दिल विच मोहब्बत है, मुहम्मद दे घराने दी है कि नहीं। जिदे जिदे दिल च है जरा मुहब्बत का इजहार करे। मेरे दिल विच मोहब्बत है, मुहम्मद दे घराने दी, मेरे दिल विच मोहब्बत है, मुहम्मद दे घराने दी। करां मैं नौकरी सारी, करां मैं नौकरी सारी, उमर सा शियाने दी, अली हसनैन ते जहरा, अली हसनैन ते जहरा, अली हसनैन ते जहरा, ए विरसा अहल ईमान दा, ओ जन्नती लो लोग ने सारे, अकीदा हर मुसलमान दा, अकीदा हर मुसलमान दा, मैं अहले बैत दा नौकर, मैं अहले बैत दा नौकर, मैं नौकर हाँ सहाबा दा, मैं अहले बैत दा नौकर। और मैं कहना वा सहाबा सब प्यारे, साड़ी अखियां दे हिन तारे, सहाबा सब प्यारे, साड़ी अखियां दे हिन तारे, उन्हें औलाद ते तन मन इस्लाम तो हिन वारे, उन्हें औलाद ते तन मन इस्लाम तो हिन वारे, उन्हां दे पैरां दी मट्टी, उन्हां दे पैरां दी मट्टी है सुरमा मेरी अखियां दा, ओ जन्नती लोग ने सारे, ओ जन्नती लोग ने सारे, अकीदा हर मुसलमान दा, मैं अहले बैत दा नौकर, मैं अहले बैत दा नौकर। सुनिए सुनिए दरा तवज्जो ताम करके, खालके कायनात दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब किबरिया ने फरमाया, नी उम्मे सलमा तू ते मेरी अहले बैत है ही है वे, मैं इन्हां नू दुआ करके अहले बैत अंदर शामिल करवाना चाहना। सुनना जरा तवज्जो नाल, हज़रत हुसैन बिन साबूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जनाबे जैद बिन अरकम दे कोल आए। जान दे ओ जैद बिन अरकम कौन सहाबी है? ए जैद बिन अरकम ओ सहाबी है जदों मेरे पाक नबी ने खुम नामी जगह ते ऐलान फरमाया सी, लोगो मैं कुरान छोड़ के जा रहा, अपने अहले बैत छोड़ के जा रहा, इन्हां दोवां दा ख्याल करिया जे कुरान विच्चों हिदायत मिलेगी, नूर मिलेगा, मेरे अहले बैत ख्याल करे आजे, मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहना। ओ ज़किरुकुमुल्लाह गफी अहली बैती, उस हदीस नू बयान करन वाला मेरा ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला नू, उस हदीस नू बयान करन वाला ज़ैद इब्ने अरकम है, जड़ा आप बयान पिया करदा है ज़ैद, ओ मेरे पाक नबी दे अहले बैत दी शान वाली हदीस आ, रावी आप है, ड्रैक बयान करदा है महबूबे किबरिया तो, ओ किवें ना जानदा होएगा कि मेरे पाक नबी दे अहले बैत कौन ने? हजरत हुसैन ने पूछिया, ओ प्यारे जैद, मन अहलु बैती या जैद, अलैसा निसाउहु मिन अहली बैती, ओ मेरे जैद, कौन मेरे पाक नबी दे अहले बैत अंदर शामिल ने? जरा वजाहत फरमा दियो, क्या महबूब दियां बीवियां अहले बैत तो बाहर ते नहीं? महबूब दियां बीवियां अहले बैत अंदर शामिल ने के नहीं? सैयदना जैद रज़ी अल्लाह तआला फरमान लगे, निसाउ अहली बैत
بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدق بعادا قال ومن هم قال هم آل علي وآل أقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدق قال نعم مستدرك حاكم دي حدیث 3558 نمبر جناب حسین نے پوچھا نبی پاک دیا بیویاں اہل بیت ہیں کہ نہیں سیدنا زید کہندے نے پہلے نبی پاک دیا بیویاں اہل بیت نے اس بعد او لوگ اہل بیت نے جنہ جنہ تے صدقہ حرام ہو گیا جیدے جیدے تے صدقہ حرام ہوئے او نبی دے اہل بیت نے مگر سب تو پہلے میرے پاک نبی دیا بیویاں اہل بیت نے نساء اہل بیتی ہی محبوب دیاں بیویاں پہلے اہل بیت نے بعد اندر او اہل بیت نے جنت صدقہ حرام ہو گیا حضرت حسین کہندے نے جناب وضاحت فرما دیو من ہم او کون لوگ نے جنت صدقہ حرام ہویا آپ نے فرمایا علی دا خاندان جعفر دا خاندان عقیل دا خاندان عباس دا خاندان عباس میرے پاک نبی دا چاچا ہے علی عقیل تے جعفر اے تینوں آپس اندر بھائی نے اے میرے پاک نبی دے چچا دے بیٹے نے اے چچا ابو طالب دے بیٹے نے عباس آپ چچا اے ایک چچے عباس دا خاندان اور تین چچیرے بھائیاں دا خاندان انہاں تے صدقہ حرام اے اہل بیت اندر شامل نے جے گل صدقے دی آئیے تے پھر سن لو حضرت خالد بن سعید رحمت اللہ علیہ نے ایک صدقے دی گاں امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وال بھیجی اور نال چٹ لکھی ماں جی میں گاں تہاڈے وال بھیج رہا صدقے والی اماں جی یہ گاں میرے والوں قبول فرما لینا اماں جی نے چٹ ویکھی ہے اودی بیک سائڈ تے لکھیا فرمان لگیاں وے خالد اپنی گاں اپنے کول واپس رکھ انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ اوئے خالد اپنی گاں اپنے کول رکھ اسی نبی دے اہل بیتاں ساڈے تے صدقہ حرام اے کون کہندا ہے بولو ہاں کون کہندا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جی عائشہ رضی اللہ کون ہے جڑا ماں نو چھڈ کے بچیاں نو اہل بیت مننے اللہ اکبر او ماں گھر والی کردی سردار ہے جے ماں گھر والی نہیں اس ماں دی اولاد گھر والی کیویں ہو سکدی ہے جے ماں گھر والی نہیں ماں دا جنیا بیٹا گھر والا کیویں ہو سکدا ہے جے ماں گھر والی نہیں ماں تو پیدا ہون والی بیٹی گھر والی کیویں ہو سکدی ہے اوئے گھر والے اندر پہلے بیوی اے پھر اولاد اے ماواں پہلے اہل بیت نے تے اولاداں کیوں بھی ماواں تو بغیر گزارا ہے ماں نال دسو خان انہاں نوں پوچھو جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں نے اللہ غریق رحمت فرمائے جی دی ماں ٹر گئی اے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے ایک پائی دا ڈرے جناب ماں دے بارے کچھ بیان کرنا میں نہیں عرض کراں گا ماں ٹر جائے نا ماں ٹر جائے تے پھر پتہ لگ دے ماں کی چیز ہے ماواں تو بغیر گھر گھر رہندے ماواں تو بغیر گھر گھر نہیں جنگل بن جاندے نے ڈیرے بن جاندے نے گھر گھر نہیں ہوندا تے جے ماں ہوے تے پھر گھر ہوندا ہے معلوم ہویا گھر والی گھر ہوے تے گھر ہے جے گھر والی نہیں تے گھر وی ایویں نہیں آکھیا تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساوانوں ایویں تے نہیں روندے لوکی ماوانوں تیرے باج اے ماں تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساوانوں ایویں تے نہیں روندے لوکی ماوانوں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں
एक वेड़े विच किन्नियां कंधां हो गईयां, मां दियां यादां गम दे हाल पर हो गईयां। एक वेड़े विच किन्नियां कंधां हो गईयां, मां ने जोड़ी रखिया सी भैण भरावां नूं, तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा आसावां नूं। मां टुर जाए ते फिर की होंदा ऐ, जहर जुदाइयां वाला पीना पैणा ऐ। मर मर के हुण सानू जीना पैणा ऐ, ओए सैर जुदाइयां वाला पीना पैणा ऐ। मर मर के हुण सानू जीना पैणा ऐ, कित्थों लभीए यार मां दियां खुल्लियां बाहवां नूं, कित्थों लभीए यार हुण मां दियां खुल्लियां बाहवां नूं। ऐवें ते नहीं रोंदे लोकी मावां नूं, तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावां नूं। ऐवें ते नहीं रोंदे लोकी मावां नूं, और मां दे गम विच यारो चले हो गए आ। पहली वारी लगे आए जिवें कल्ले हो गए आ, मां दे गम विच यारो चले हो गए आ। पहली वारी लगे आए जिवें कल्ले हो गए आ, पहली वारी लगे आए जिवें कल्ले हो गए आ। तरस गए आ यार मां दियां लाडा चावां नूं, ऐवें ते नहीं रोंदे लोकी मावां नूं। कौन कहिंदा है मावां घरवालियां नहीं हुंदियां, ओ कौन कहिंदा है बीवियां अहले बैत नहीं हुंदियां। आओ मैं कुराने पाक अंदरों दलील देना चाहना। इब्राहिम नबी मौजूद ने, आसमान तो फरिश्ते आए इब्राहिम नबी अली सलातु व तस्लीम दे कोल आकर के बशारत सुनाई, ए प्यारे इब्राहिम अल्लाह जुल जलाल वल्लों पैगाम आया है। जनाब इब्राहिम अली सलाम नू फरमान लगे पैगाम किए, अल्लाह अकबर अल्लाह, पैगाम सुनाया गया, फबशरना बिसहाक व मिन वराई इसहाक याकूब। ए नबी इब्राहिम, अल्लाह एक पुत्र देगा जिदा नाम इसहाक होएगा, इसहाक जवान होएगा, नबी बनेगा, शादी होएगी, अल्लाह उन्हों बेटा देगा, नाम यकूब होएगा, वो भी जवान होएगा, नबूवत मिलेगी, अल्लाह उन्हों भी औलाद अता फरमाएगा। खुशखबरी सुनाई इब्राहिम नबी नू, पर फरमान लगे मेरी ते बीवी बूढ़ी हो गई है, अल्लाह कितों अता फरमाएगा। नाल ही अम्मा जी सारा, जनाबे इब्राहिम नबी दी बीवी कोई 100 साल दे करीब पहुँचन वाली बूढ़ी औरत, अल्लाहु अकबर अल्लाह, अम्मा जी दियाँ चीखा निकल गईयां। कुरान कहिंदा है वम्रअतुहु क़ाइमतुन फ़ज़हिकत, अम्मा जी खड़ियाँ हंस रही सन, लेकिन जदों पता लग्या औलाद होवेगी, क़ालत या वैलता وانا عجوز وهذا بالي شيخا, अम्मा जी फरमा लगियां, ओए लोगो आन वाले हो, ओए आन वाले हो, पैगाम देन वाले हो, तुसी औलाद दियां खुशखबरियां देंदे हो, मैं सारा जवानी अंदर ते औलाद दे काबल ना रही, हुण मैं बूढ़ी हो गई हां, हड्डियां अंदर मिख नहीं रही। ऐ मेरे खामद इब्राहिम नबी, बूढ़े हो गए ने, कुब्बे हो गए ने, हड्डियां अंदर मिख ना रही, हुण औलाद किवें जनागी। अल्लाहु अकबर अल्लाह, अम्मा जी ने बड़ा ताजब कीता, ते फरिश्ते की कहिंदे ने, कालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाह व रहमतुल्लाह व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। फरिश्ते आंदे ने, नबी इब्राहिम दी अहले बैत
परेशान नहीं होना, अल्लाह दे कम्मां ते ताज्जुब नहीं करीदा। अल्लाह ते मरियम नू बगैर खावन तो अता कर देंदा है, अल्लाह ते आदम नू बगैर बाप ते मां तो पैदा कर देंदा है, अल्लाह ते हवा नू बगैर मां तो बना देंदा है। अल्लाह देम ते कादर है। ए नबी इब्राहिम दे अहले बैत रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। ए नबी इब्राहिम दे अहले बैत रब दे कम्मां ते तज्जब नहीं करीदा। कौन सी नबी इब्राहिम अलैहि सलाम दे कोल? बोलो हाँ, जवाई सी क्यों भाई? पोतरे सी, दोतरे सी, जवाई सी, कौन सी? आप दी बीवी जे इब्राहिम नबी दी बीवी अहले बैत। फिर मेरे पाक मुहम्मद दी आशा अहले बैत क्यों नहीं? जे नबी इब्राहिम दी बीवी अहले बैत है, फिर मेरे पाक मुहम्मद दी मैमूना हफ्सा अहले बैत क्यों नहीं? आओ मैं कुरान पाक अंदर अगली दलील देवा। जनाबे मूसा कलीम निकले ने, आपने 8 साल या 10 साल बकरियां चराइयां ने शुएब दियां, शुएब रहमतुल्लाह अलैह। बाद ने लिखिया वो नबी सन, बाद ने लिखिया नबी नहीं सन। हकीकत यह हुई है कि नबी नहीं सन, कोई अल्लाह का वली सी शुएब रहमतुल्लाह अलैह। ओदियां बकरियां जनाबे मूसा कलीम ने चराइयां 8 साल। जनाबे शुएब आंदे ने मूसा 8 साल या 10 साल बकरियां चराणियां पैण गियां, फिर अपनी बेटी दा रिश्ता अता कर देंगा। जनाबे मूसा ने 8 साल या 10 साल बकरियां चराइयां, जदों मुद्दत पूरी हो गई ना, शुएब ने अपनी बेटी का नकाह जनाबे मूसा कलीम नाल पढ़ा छड़िया। आपने अपनी बीवी नू नाल लिया ते अपने जनाब आई गांव मिस्र वल चल पे, अपनी अम्मा जान दे इलाके वल चल पे। जनाबे मूसा अलैहि सलाम नू लैके टुरदे ने पे, रस्ते अंदर रात पै गई, सर्दी दियाँ ठिठर दियाँ रातां ने लोगो, वो लोगो दिसंबर जनवरी दियाँ रातां ने, पो माघ दियाँ रातां ने, सर्दी बड़ी है, नेरा भी बड़ा है, आप नू सर्दी भी लगी है, आप नू रस्ता भी मिलता नहीं पिया। फरमान लगे ए मेरी अहले बैत तुसी ठहरो, ओ दूर मैनू अग नजर आउंदी है, नाले अग लैके आउंदा वा, अग ताप लवांगे, सर्दी कम हो जाएगी, नाले अग दी रोशनी अंदर रस्ता मिल जाएगा। कुरान ने पाक ने नक्शा की खिंचया। फलम्मा कदा मूसल अजाला वसारा बि अहलीही आनसा मिन जानिबि तूरी नारा काला लि अहलीही इन्नी आनस्तु नारा। जनाबे मूसा फरमाते ने ले अहली ही, अपने अहले बैत नू कहन लगे, अपनी बीवी नू कहन लगे, नी सफूरा नी मेरी अहले बैत इत्थे ठहर जा, नी शुएब दी बेटी है, नी मूसा दी बीवी, नी मूसा दी अहले बैत, इत्थे ठहर जा, मैं ओ अग कोल जाना वा, हो सकदा उत्थे मरद हुन तेरा जाना मुनासिब नहीं, मैं अग लैके आउंदा वा, असी अग तापांगे, रोशनी अंदर रस्ता तलाश कर लवांगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। इत्थे मूसा कलीम ने अपनी बीवी नू की आख्या है, ले अहली ही ओम कुसू, आपने अपनी बीवी नू फरमाया ऐ मेरे अहले बैत इत्थे ठहर जाओ। मूसा कलीम दी बीवी अहले बैत है कि नहीं? जिन्हों शाके हो ना बोले, जिन्हों पाके हो बोले, जिदा कुरान ते ईमान है वो बोले। मूसा कलीम दी बीवी नू कुरान ने की आख्या है? इब्राहिम नबी दी बीवी नू कुरान ने की आख्या है? जे इब्राहिम नबी दी बीवी अहले बैत है, मूसा कलीम दी बीवी अहले बैत है, इमाम नल दसिया जे मेरी तेरी माँ अम्मा आयशा कौन है, अम्मा हफ्सा कौन है, सैयदा सौदा कौन ने, माँ जी खदीजा कौन ने, सैयदा ममूना कौन ने, सैयदा जैनब कौन ने, सैयदा जुहैरिया कौन ने, मेरे पाक नबी दी उम्मे हबीबा कौन ने, मेरे महबूब नबी दियाँ बीवियाँ सारियाँ अहले बैत ने, आप दियाँ बीवियाँ अहले बैत ने, आप दी फातिमा अहले बैत है, आप दा हसन अहले बैत है, महबूब दा हुसैन अहले बैत है, आप दा अली अली दा खानदान अहले बैत है, आप दा अकील अकील दा खानदान अहले बैत है, आप दा जाफर जाफर दा खानदान अहले बैत है, मेरे पाक नबी दा चाचा अब्बास, अब्बास दा खानदान अहले बैत,
बैते ओ मुकम्मल करो एले बैते जिदे जिदे ते सदका हराम होया। सदका अब्बास दे खानदान ते हराम, मुसद्र के हाकम दी अदीर। सदका अली दे खानदान ते हराम, मुसद्र के हाकम दी अदीर। सदका जाफर दे खानदान ते हराम, मुसद्र के हाकम दी अदीर से। और सदका अकील दे खानदान ते हराम है, मुसद्र के हाकम दी अदीर से। सदका मेरे पाक नबी दियां बीवियां ते हराम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुसन्नफ इब्ने अभी शैबा दी अदीर से। ओए लोगो, अम्मा जी ने फरमाया इन्ना आलु मुहम्मद ला तहिल्लु लना सदका। असी आले रसूल आ, साडे ते सदका हराम है। असी की आ बोलो, खासी की आ साडे ते सदका। फरमाया वल्लजी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी ला युबगिदुना अहदुन, ला युबगिदुना अहलल बैत अहदुन इल्ला अदखलहुल्लाहु नार। मुहम्मद करीम अल्लाह दी कसम चुके कहंदे ने, जिहड़ा मेरे अहले बैत नाल बुगद रखेगा अल्लाह जहन्नम दा बालन बनाएगा। इंशाल्लाह कहो इंशाल्लाह। जिहड़ा अहले बैत नाल बुगद रखे अल्लाह जहन्नम दा दाखला नसीब करे। जिहड़ा अहले बैत नाल अदावत रखे अल्लाह जहन्नम अंदर दाखिल करे। नबी दियां बीवियां अहले बैत ने, जिहड़ा मैशां नूं गालियां कढ़दा है ओह कौन है? कहो जहन्नमी, कहो जहन्नमी। जिहड़ा मियाशा दा गुस्ताख है ओह जहन्नमी है। जिहड़ा माँ हफ्सा दा गुस्ताख है ओह जहन्नमी है। जिहड़ा मेरे पाक नबी दियां बीवियां दा गुस्ताख है ओह जहन्नमी है। जिहड़ा मेरे पाक नबी दियां बीवियां नूं मोमना दी माँ नहीं समझदा ओह जहन्नमी है। मैं नहीं कहिंदा, मेरे पाक नबी दी हदीस कहिंदी है। मैं नहीं कहिंदा, सिलसिला हदीस सही अंदर हदीस मौजूद है। मैं नहीं कहिंदा, मुसनद अहमद दी हदीस है। मैं नहीं कहिंदा, फरमान मुस्तफा है। मैं नहीं कहिंदा, अल्लाह दा कुरान कहिंदा है। अहले बैत पाक ने अल्लाह दा कुरान कहिंदा है। अहले बैत ताहिर ने अल्लाह दा कुरान कहिंदा है। अहले बैत मुतहर ने अल्लाह दा कुरान कहिंदा है। अहले बैत नपाकी तो पाक ने, अहले बैत कुफर तो पाक ने, निफाक तो पाक ने, शिरक तो पाक ने, गलाजत तो पाक ने, धोखे तो पाक ने, हसद तो पाक ने, अदावत तो पाक ने, कीने तो पाक ने, कायनात दियां गलाजतां तो पाक ने। ओए जेड़े पाक ने ओ जन्नती ने, जेड़े ना जन्नतियां नूं जन्नती ना मन्ने ओ इंशाअल्लाह जहन्नमी है। अज भी जहन्नमी है, वह कल भी जहन्नमी है। अल्लाह जुल जलाल अहले बैत दा प्यार नसीब फरमाए, अहले बैत दी मोहब्बत और अकीदत नसीब फरमाए। वा आखिर दावाया।